ब्यूटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस संगठन ने एक साथ दो फास्ट पेट्रोल वेसल्स यानी FPV आदम्या और अक्षर लॉन्च किए? ए भारतीय सेना, बी भारतीय तटरक्षक, सी भारतीय नौसेना, डी सीमा सुरक्षा बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय तटरक्षक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित FPV आदम्या और अक्षर को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक मामले में याचिकाकर्ता थे? ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी निजता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निजता का अधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी उस मामले में याचिकाकर्ता थे जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वावलंबन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है जिसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किस सिद्धांत पर जोर देता है? ए अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि, बी एकल उपयोग प्लास्टिक को बढ़ावा देना, सी कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रित करें यानी 3R, डी सारा कचरा त्यागे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रित करें यानी 3R। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह अभियान कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रित करें यानी 3R के सिद्धांतों पर जोर देता है तथा नागरिकों को जिम्मेदारी से अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, GJ436C खोजा गया नया ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है? ए 10 प्रकाश वर्ष दूर, बी 100 प्रकाश वर्ष दूर, सी 50 प्रकाश वर्ष दूर या डी 30 प्रकाश वर्ष दूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 30 प्रकाश वर्ष दूर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GJ436C नया ग्रह पृथ्वी से लगभग 30 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट क्या दर्शाता है? ए 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, बी 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, सी 1 घन मीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या डी 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में इसके समतुल्य उत्सर्जन की अनुमति देता है जो उत्सर्जन के व्यापार और प्रतिसंतुलन के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वज्र शॉट एंटी ड्रोन गन विकसित की है? ए इसरो, बी DRDO, सी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, डी HAL। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वज्र शॉट का विकास बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस द्वारा किया गया जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों पर भारत के फोकस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक संकेतक अक्सर चक्रीय मंदी से जुड़ा होता है? ए उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, बी शेयर बाजार सूचकांक में वृद्धि, सी GDP विकास दर में गिरावट, डी बेरोजगारी दर में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी GDP विकास दर में गिरावट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चक्रीय मंदी आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट के रूप में होती है जो आर्थिक गतिविधि और उत्पादकता में कमी का संकेत देती है।
अगला प्रश्न है, किस विशिष्ट टार्डिग्रेड प्रोटीन की पहचान विकिरण प्रतिरोध में भूमिका निभाने के रूप में की गई है? ए DSUP यानी DNA डैमेज सप्रेसर, बी TDR1, सी RAD51, डी PCNA। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए DSUP। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। DSUP प्रोटीन टार्डिग्रेड DNA को क्षति से बचाने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है तथा यह उच्च स्तर के विकिरण के प्रति उनकी तन्यकता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान के रूप में किस संस्थान का उद्घाटन किया गया? ए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, बी जैव अनुसंधान केंद्र, सी राष्ट्रीय जैव अभियांत्रिकी संस्थान, डी विक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विक्र NABI का उद्घाटन किया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया? ए क्रिस्टीन जूलियन ओपियाजा, बी राचेल गुप्ता, सी लुसियाना फस्टर, डी प्रियंका चोपड़ा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।